मट्टू बीच होके आप पिथरोड़ी पिथरोड़ी करके एक है वहाँ से आते हो तो वो रास्ते में एक ब्रिज है आगे जाके जो आपको क्रॉस करने में आसानी होगी। दूसरा कोई ब्रिज है नहीं। और यहाँ देखो पूरा ये है क्या बोलते हैं उसको, पूरा हार्बर है, बोट का हार्बर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो जो सेंट मेरी आइलैंड के लिए जो फेरी जाती है वहाँ भी। अभी दोपहर में अभी 12 बज गए, अभी तो नहीं जाएंगे लेकिन हमें जाना है वो साइड में हैंगिंग ब्रिज के। लेकिन ये जो ऑन द वे है तो पहले थोड़ा इंक्वायरी कर लेते हैं क्या टाइमिंग कैसे है, फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे वापस से एक और एक पॉइंट देखने के बाद। तो अपना क्या है टाइम बर्बाद नहीं होगा और फिर लास्ट मोमेंट पे धोखाधड़ी नहीं होगी अपने को। बोटिंग टू सेंट मेरी आइलैंड मालपे सी वॉक वे। एक मिनट, ये लास्ट फेरी कितने बजे होता है यहाँ से और वहाँ से? ओके तो प्लान में कुछ चेंज ऐसा है कि सेंट मेरी आइसलैंड जो है, अरे मुंह में आइसलैंड ही आता है, तो सेंट मेरी आइलैंड जो है वो जाएंगे थोड़ी देर के बाद वे टू हैंगिंग ब्रिज। अच्छा रखा तो है। अच्छा मार्किंग बना के रखा है तो अच्छा है, हमारे लिए आसान है। तो फाइनली जाते हैं यहाँ से, बाइक लेके जाते हैं यहाँ से। अभी जो बहुत इरादा था मेरा हो यहाँ लोग भी हैं। हार्डली यहाँ से बाइक जाता है और ये तूफानी करेगा अभी। सही है, जिंदगी के मजे इसी क्यों बोलते हैं। सही है, पैसा वसूल हो गया यहाँ का। ये मेरे नए सब्सक्राइबर, ये जगह का नाम क्या है? केमन, केमन ना, तो केमन ने पूछ। तो यहाँ लोग रहते हैं इधर 15 से 20। अच्छा हाँ, वहाँ बाइक रुकाया है मेरे लिए। चलो सब्सक्राइब करना, कुछ रहेगा तो मैसेज करना मुझको। चलो सेकंड राउंड करते हैं अभी इसका। और फिर वापस से तूफानी करते हैं इधर, लेकिन बहुत रिस्की है, डर लगता है इधर, खतरनाक, एकदम खतरनाक। और क्या तारीफ करे इस अनुभव की, इस एक्सपीरियंस की। हाँ वर्थ इट, आज के दिन का सबसे ज़बरदस्त वर्थ इट। सो भाई साहब हम यहाँ आए थे केमानू, केमानू ना, केमानू हैंगिंग ब्रिज। तो यहाँ ये कयाकिंग देखे ना, कयाकिंग करने का मूड हो गया तो हमने कर लिया। तो बेसिकली ये है राधा कृष्ण एडवेंचर। ए सर आ जाओ। तो ये है इनका, ये नया बिजनेस स्टार्टअप है। ठीक है कुछ बोलोगे? मेरे सब्सक्राइबर कुछ डिस्काउंट देना अगर ये देख के अगर आते हैं तो। श्योर मैं दिएगा, आपने देगा चैनल देख के बताया। हाँ चैनल का नाम है वंडरलैंड जेके। ठीक है तो अच्छा सर्विस मिला। देखो मैंने फर्स्ट टाइम कायाकिंग किया है लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, 5 मिनट का ट्रेनिंग दिया हमें। ठीक है लेकिन मज़ा आया। सो ट्राई करना कायाकिंग अगर, तो ये ब्रिज अगर विजिट करने आते हो तो ये कायाकिंग जरूर ट्राई कर लेना। सो बात कुछ ऐसी है कि यह है केमानू हैंगिंग ब्रिज, ये विजिट करने आए थे। अभी भर दोपहर हो गई लेकिन स्टिल हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया, यहाँ कायाकिंग किया। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कायाकिंग किया लेकिन बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ से ड्रोन फ्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं ड्रोन व्यू, बर्ड आई व्यू। अभी फाइनल आज का कार्यक्रम है सेंट मेरी आइसलैंड, जो मेन हाईलाइट है उड़ी पे आने का। अभी जो इसे बोल रहा था कि अपना ये जो सेंट मेरी आइलैंड है उसका एक स्टोरी है जो सुना है मैंने,
वो मैं आपको आइलैंड पे जाके एक शांत वहाँ एक जगह पे बैठ के आपको सुनाऊंगा। आप भी वैसे गूगल कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी वो ज्ञान वहाँ से ही मिला है मुझे। और यहाँ आने का मज़ा ही अलग था। देखो नारियल के पेड़ दोनों जगह। तो जैसे भी कर्नाटक का ट्रिप ना बहुत ही अच्छा चल रहा है। आई होप कि अगर आपने पूरा ये मेरा ट्रिप अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको भी अच्छा लगा रहेगा। और यहाँ से फिर मिलते हैं आपको आगे मालपे बोट हार्बर या सेंट मेरी आइसलैंड। आइसलैंड वापस आइसलैंड। तो सेंट मेरी आइलैंड जो है वहाँ जहाँ से बोट फेरी मिलता है वहाँ जाएंगे और आपको मिलते हैं ऑन द वे। तो बात कुछ ऐसी है कि आज का फाइनल डेस्टिनेशन जो कुछ अलग है, कुछ हटके है, वो है सेंट मेरी आइलैंड। अभी अब शाम का ये जो लास्ट फेरी है तो नॉर्मली पूरे दिन में आते हैं तो एक घंटा वो आइलैंड पर मिलता है मिलाने के लिए। अभी ये शौक लगा के सिर्फ आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में क्या एक्सप्लोर करेंगे हम लोग? फाइनली वी हैव रीच टू सेंट मेरी आइलैंड। अभी इस आइलैंड की खासियत क्या है? तो विकिपीडिया की, हमारी विकिपीडिया के हिसाब से या जो इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इसके हिसाब से वास्को द गामा जो है फर्स्ट टाइम यहाँ लैंड हुआ था। उसके बाद वो आगे केरला साइड कहाँ कोई तो कोझीकोड़े में गया था बाद में। यहाँ सिर्फ एक ही घंटा मिलता है आधा घंटा आने के लिए, आधा घंटा जाने के लिए, और एक ही घंटा मिलता है। लेकिन हमारा बैड लक है क्योंकि ये लास्ट बोट है और उसने हमको सिर्फ आधा घंटा लिया। अभी वैसे 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में अभी यहाँ से निकलना है। तो आप आ सकते हो, यूनिक जगह है। लेकिन ड्रोन के लिए पूछा मैंने तो ड्रोन का उसने बड़ा सा शौक दे दिया मुझे। ड्रोन का बोल रहा है कि कितनी देर लगेगा। मैंने बोला कि नैनो ड्रोन है। तो वो अपने हिसाब से बोल रहा था कि ये कुछ पूरा आइलैंड जो है वो कुछ टेंडर पे है, कॉन्ट्रैक्ट में है, करोड़ों पैसा दिया है। तो शूटिंग, कैमरा चार्जेस और ड्रोन, इसी का उनको इनकम ज़्यादा होता है। अभी ये जो कैमरा है नॉर्मल DSLR कैमरा, उसका 200 रुपये लेते हैं। मोबाइल फ्री में है तो मैंने इसे 200 रुपये पे कर दिया। लेकिन ड्रोन का 3000 थोड़ा ज़्यादा लगता है, कैसे पे करें। तो जो बता रहा था मैं कि ये देखो पत्थर, तो ये पत्थर इसे खासियत है, जो कुछ हर एक अलग ही शेप में है। यहाँ से हम चढ़ लेते हैं एक बार। डेंजर है। तो ये पत्थर ही यहाँ की एक पहचान है। और बस अभी क्या है, 15 मिनट में निकलना पड़ेगा यहाँ से। अपेक्षा यहाँ भंग हो गई हमारी। आइलैंड में सोचा था कि कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ अच्छा अच्छा रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नहीं रिकॉर्ड कर पाया। अभी वो बंदा सिटी लेके सबको बोर्ड के पास बुला रहा है, क्या करें। एनीवे चलो निकलते हैं यहाँ से। और बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके आज का वीडियो, जो भी हमने आइटम देखे, कॉप बीच देखा, मट्टू बीच देखा, उसके बाद वो हैंगिंग ब्रिज देखा, हमने कायाकिंग की, बहुत कुछ किया आज। डे वन इन उड़ीपी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा आज का। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप बस पॉज करके पढ़ लेना। बस इतना ही मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, और कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैंने एक्सप्लोर नहीं किया यहाँ। तो एनी वे जो हमारा बोट खड़ा है, निकलते हैं, आपको मिलते हैं कुछ। तो बात कुछ ऐसा है कि सेंट मेरी आइसलैंड में थोड़ा धोखा हो गया। तो अभी थोड़ा टाइम है, सूरज डूबने में थोड़ा 20 मिनट है। तो हम सोचे डेल्टा पॉइंट जाएंगे। यहाँ का नज़ारा देखो, दिस इज़ वे टू डेल्टा पॉइंट। अभी ये आगे डेड एंड है, हमें शायद से इसी रोड से वापस आना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आ जाएंगे, 6-7 किलोमीटर जाना पड़ेगा आगे तो वापस आ जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि यहाँ का वाइब सही है, सही मतलब सही। ये देखो एकदम मंदिर वाला रास्ता, नारियल के पेड़, और यहाँ भी सुबह जैसा। राइट साइड में नदी है, वी आर गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो राइट साइड में नदी है, लेफ्ट साइड में समुंदर है, और ये रास्ता की कंडीशन भी सही है। टकटक रोड है, टकटक। बस 10 मिनट मिले ड्रोन उड़ाने के लिए तो डेल्टा पॉइंट हम कवर कर ही लेंगे। अच्छा डेल्टा पॉइंट पे तो आ गए, इधर थोड़ी बहुत जगह तो है रखने के लिए, लेकिन रखेंगे किधर।
बात कुछ ऐसी है कि हम लोग गए तो थे डेल्टा पॉइंट पे, लेकिन इतना क्या बोलते हैं, इतना मज़ा नहीं आया डेल्टा पॉइंट। जो अलग एक क्रेज़ था डेल्टा पॉइंट विजिट करना, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो अभी वापस जा रहे होटल पे, होटल नहीं हॉस्टल ही है हमारा। तो अच्छा व्लॉग इधर ही एंड कर लेते हैं, उडुपी 4 किलोमीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन एज ऑलवेज एंजॉय एंड हैव अ नाइस डे।